हो चुका है। हम देख पा रहे हैं पाकुड़ टीम से तीन तीन विदेशी प्लेयर्सों के साथ ये टीम बहुत ही बेहतर तरीके से सुसज्जित किया गया है। इसमें चार नंबर में एलोसन, छह नंबर में हमजा और दस नंबर में कुली बोली और सुशील बड़ा इच्छुक अब हम यल बड़ा उका हो गया लेकिन हमजा और कुली बोली लेकिन का ग्लैडिएटर दिल्ली खर के न्याति बड़ा कर था पेट का सार की ढाई बड़ा उकान गया और हमजा और कुली बोली बना के अड़ी डिमांडेड प्लेयर के नाकिन तिही नवा LSW पाकु टीम का की जुड़ाव करा और एक लोकल बॉय नोडे रांची रामगढ़ टीम खोए जेल का रीजन हम लेके जे अचानक ये होला गई आपसी हुकवा चीज चौ का ना तालबेल बांग बैठे होगा उना ऐसे ओका सेट प्लेयर पूरा हजूरिया बैन किया 100% का कंफर्म था एकदा मैं खाना अचानक किसी कारण वास को एक मौका रे को बना के दा आ दो ना येते नोडे जहल करते तुरंत की बीटे टीम सब सफड़ाओ ना टीम मैनेजर होते थे लेकिन यह पहला आक्रमण बांगुल ना तो ना यह थे अदो आपे जैया बैठे इकले खोजो और नवा को चीज हुयुक कर गया खेल चतर रहे सिर्फ नेडे को तो दबा हर जगह रहे उनका हुयुक कर गया अदो आपे थे इकले खोजो के ना उनका इंतजार था एक अंतपे और नीतो का गति बुनियाले कान वादो रांची रामगढ़ और LSW पाकुड़ हरियर गया जसिन दो LSW पाकुड़ के नाकू और रांची रामगढ़ दा नुकू हेंदे मिसाल उका आरा पट्टी वाला जर्सी तो पहिल हाफ रे गति चला के ना नीत के होप कर आरो आरो सुशील इन बिजो दा नवा बेच नुकू हरियर कलर या जर्सी और का टीम LSW पाकुड़ टीम शुरू होगी नकुटी दबा दिया को कुछ हुई ना हर सरी की तो हम सभी कोई गिरने थोड़ा गन प्रेशर बढ़ा लगी भरपूर प्रयास से लोग करना पाकु टीम से कोई लेकिन बुजो करना बेबई तेना जैसे जैसे वक्त हुई दिया नुकवा गाती को रीड दिया रांची रामगढ़ टीम हो तो निश्चित रूप से नुकु को मैच रहा बदलाव अगुलगी को कुरुम दिया और अच्छा इंप्रूवमेंट रेडा कोई और अब हो कौन है ना और ये छह नंबर कोई तो हमजा अड़ी मचो ने कोई बोले क्लियर किया तो नंबर डिफेंस जोन रे कोई तो बनाया टीम रन कैप्टन में यार सुब्रत सोरेन अड़ी अनुभवी प्लेयर से सुब्रत नोडे कोई एलसन मीठे अड़ी कॉमेडी स्टाइल रे नया ओका एक्टिविटी तो है गाती सांस हो गए थे और नो यार गाती सांस हो गए थे आया ओका एक्टिविटी माध्यम से होल को अड़ी जस्ती प्रभाव दी चुका अरे एंटरटेनिंग प्लेयर्स का ना और नो देखो इधर मोच डिफेंस जोन अंडरस्टैंडिंग इधर मोच विकास बॉल को सही तरीके से कनेक्ट नहीं किए ऐसे समय पर वहां संजीत हेम्ब्रम ये भी इस क्षेत्र के बहुत ही नामी ग्रामी टीम के ये प्लेयर्स हैं लेकिन आज पाकु टीम से खेलते हैं सरजम बगम सिजवा जैसे एक बहुत ही चर्चित टीम के ये प्लेयर्स हैं संजीत हेम्ब्रम लेकिन आज पाकुड़ के लिए अपना योगदान देते हुए इस बीच कोलेबली के पास गेंद लेकिन यहां से ये फॉल का कॉल नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीम्स के टीम मैनेजर को अवगत किया जा रहा है कि आप भी अभी से रिपोर्टिंग कर ले और अपने प्लेयर्सों को अभी से आप ऐसा ऐसा तैयार रखेंगे FC परगना टोला वर्सेस पटना बिहार। पटना बिहार के टीम मैनेजर हम चाहेंगे कि आप कमेटी मंच में आप रिपोर्टिंग कर लीजिए नेक्स्ट मैच के लिए क्योंकि परगना टोला के टीम मैनेजर ने रिपोर्टिंग कर लिया है इसलिए पटना बिहार के टीम मैनेजर आप जल्द से जल्द कमेटी मंच में आप संपर्क कर लीजिए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए अगला मैच के लिए। और इसी बीच ये देखिए गेंद को लेने का भरपूर प्रयास वहां पर हमजा का लेकिन गेंद को फ्रेम पर नहीं रख पाए गेंद नियर पोस्ट ऑफ टारगेट पर चली गई वहां
यहाँ रामगढ़ की टीम भी आपस में अंडरस्टैंडिंग को बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा आखिर करके इस मैच में कब तक वो गोल हमें देखने को मिलेगी, जो दर्शकों को उम्मीद है। इसी बीच वहां पर सात नंबर मुंशी टुडू तेजी से आगे बढ़ते हुए, ये दाऊद के लिए खेलते हुए कुछ क्षण वहां पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में लग रहे थे राजी रामगढ़ की टीम, लेकिन ऐसे समय पर जोसेफ मरंडी डिफेंस लाइन के सबसे अनुभवी खिलाड़ी, इसी बीच मैं देख पा रहा हूं मौका बनेगा पहला गोल के लिए, लेकिन वहां पर पहले ही फिनिशिंग कर देना चाहिए था। और नेल में सुशील इन्हें मुझ मौका पहला झटका लगा दड़िया को किया और हम बुझे दड़िया के ना उड़े, हालांकि गोल कीपर उड़े विदेश उरांग जहाल का थे डाइव पे रुकाव किया बैंक का इन्हें मौज मौका नवा फिनिश हो ही जीव करा और अड़े जस्ती बैठे अटकिर सठाव किया और अखुन बॉल उन्हें कोई सप्लाई लगी मौका की बाजी अपना और नहार की थोड़ा कन बड़ा बॉल लेकिन प्लेस लिखा है निश्चित रूप से आराम से उन्हें गोल है दरिया किया नवा जिनी सुने थोड़ा कन बुद्धिस रहे उन्हें जिनी कोमना से थोड़ा कन जल्दी बाजी रहे नोडे दाऊदे जलना और बंखा नोडे कोई जब तो हो समय की गोल है लेन खाए तो निश्चित रूप से वहां मैच रहा होगा रोमांचक होगा मोड़ करना और निश्चित रूप से नोडे कोई जल जाओ सरी कता कता मिया बीच रे मौका बना हम ये धाव LSW पाकु टीम पहला मौका हुई दड़ा मेलखान ऑफसाइड जोसेफ मुर्मो उड़े लहारे तो लोग था। अब धीरे धीरे रांची रामगढ़ की टीम भी यहां पर एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, एक अच्छे लय में नजर आते हैं, तो निश्चित रूप से अभी जैसे जैसे वक्त निकलता जाएगा मैच में रोमांचक बढ़ती जाएगी और लगभग दोनों टीम के बीच में जो कॉन्टेस्ट होगा वो हमको लगता है बराबरी का अभी हो सकता है। सही कहता है राशि नवा सत्य की बना टीम गिन जाती है जल में नवा कॉन्टेस्ट बना मैच रहे नुकु टीम हो रांची रामगढ़ अटी मौज अकुआ तालमेल को बना उदार नियम बीच रहे जल में 10 नंबर जैसी हरों का खिलाड़ी विकास जितु बने लहा से दी चुका होगा और नुकु झटका एम नाड़ी को बना लगभग नोटे 18 यार्ड बॉक्स अंदर रहे मौका बना दड़ी आके ना बैठे रहे गोल 10 बार हुई खिलाड़ी अटी घड़ी बॉल धो के ना और पहला शॉट बॉल गया डायरेक्शन अगर चेंज लेट खा तो कहीं से बॉल चला दड़ी आके और कोई नई बात बांग करा नवा पहले बार उनका बांग करा आईमार उनका नियल करा बदल गए मौका हुई दड़े कभी भी जहां झटका लगा गाड़ी के ना और पास एक कोई गोलवा तड़ी कुरुमटूर की बना टीम बिना खेला LSW पाकु टीम लकी बॉल ओडे रुका कते अगर नते नहीं मेन डिफेंडर अगर मेरे का मलिक टुडू नहीं चार नंबर एलोसेन नहीं हो पसे जब ना इधर मलिक का थोड़ा का लटू जा ऊप तहन ताए का एकल बुहाल का की नियल कुआ बनार के उसूल तगड़ा कुड़ा आदम मनी को दो है ओका बसर तो थोड़ा गन उड़ा रहे ओका को बना डाय वगैरह हुई लंका है निश्चित रूप से मनी को जब नुआ सीत पर ही ग्राउंड को जो दिया डर है सेलन खाए से अदर जगह रहे कोई तो बकु जेल के दिया पहल लाओ को जेल खाए निश्चित रूप से नहीं हो विदेशी प्लेयर्स को बिताया मनी सरी कथा कहता नियल में तीन मौज नुआ मैच को डोमिनेट था और नियम इतने शॉट जल में सही रेंज रहे नोडे डैनियल टुडू शॉट में लगाओ के गिन बेलखान गोल की पट है दिबांग उरांग विदेश उरांग ओडे बड़ी बेहतर बोले बचाओ किदा ये बीच रे बड़ा सोरे LSW टीम रे स्टार खिलाड़ी तिहिन जले के तायम को को गाते दी किदा हालांकि नोडे गोले बली बोले जित फिर सब विदेशी मूल रे नई गोले बली बेलखान नते नी खिलाड़ी हो बाइक को बा उनी मुक्की बाय बनाओ छुआ थिया और उनी बॉल हासे दी लहरे उनी डिस्टर्ब की दिया और उड़ा यते जरूर कॉर्नर की क्रिया मौका को जा बाद रे LSW पाकु टीम आज का सेकंड मैच LSW पाकुड़ और YYGC रांची रामगढ़ और कॉर्नर की पहली मौका को जाप के डाली तो आरजेल को नवा मौका रिया तीन हफ्ता फायदा को जाप दड़िया करा
बड़ा चुप ना तेहे नवा टूर्नामेंट रिया सेकंड दिन रे नवा मनत पेड़ा मची रे दुड़बकान नवा मजदूर एकता क्लब सीत पहाड़ी हिरनपुर पाकुड़ रे रिया टूर्नामेंट रे आले रे नुका दो अयुरी सेगमेंट के आदवा टूर्नामेंट रे संरक्षक हिरनपुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि जीवलाल मुर्मूई उन्हें नवा मंच रे दुरुब करना साथ साथ है नवा टूर्नामेंट इन्हें मरांग टूर्नामेंट इन्हें मौज नवारिया मॉनिटरिंग नवा टूर्नामेंट रिया का सजाव सप्ताह रे अहम योगदान मीठे डायरेक्टर लिखा मेंट किया वकील मरांडी जी उनकी बनार उनकी ना आयुर की अलग नवा टूर्नामेंट उनका ले सजाव सप्ताह का अलग को आपे को रस कर चुपा लगी आपे दिसंबर यहाँ पे आशीर्वाद की नवा टूर्नामेंट सजाव का जब तक आपे नवा क्लब से खोज जब तक अड़ी अड़ी गुण बना जो हर अर्थ हाउ ने मापे के ना अरे आसो आ ये आपे नवा टूर्नामेंट या मुझे दिन दबी आपे या गुड़ा सपो पे मार गया ये तलारे नुड़े संजीव बहुत जरूर है जाम करा क्रॉस से लगाओ दस बार मैंने कहा थोड़ा का ना नेरो एंगल पे थोड़ा का अंदर जोगी क्रॉस किधर ना ये ते खतरा तलाव रहा ये लगे हंकु हो कौन बनुकवा जैसे नाते तू खिलाड़ी बॉल को पड़ा मैं कहा ऑफसाइड थोड़ा का लहा से रहे उन्हें खिलाड़ी ताहे करना बॉल को लहा है ना हर तुरंत की फ्री किक बात करते जर्सी नंबर छह हरों का हम जा रहे लो सर बना किन कोई जगह के आर्मी की बांध दो किन बैंड में भी गिलाम गिलाम दो या जब लग चला खाया सिर पार कर और बना के उसूल तो हो बराबर ये भी थे मौका डेंजर प्लेस में जरूर मौका भी ना हलम की नाते नहीं खिलाड़ी जर्सी नंबर छह हरों का डेनियल आपको हाँ पे 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 ते बोले सजा से प्राउड उठा तार पना टीम भी नियल दा सुशील ज्यादा स्पीड तो बाकी गति किरा खाली टेक्निक रिया किन प्रयोग दा और बॉल पास बना होते अकिन ज्यादा से ज्यादा गैप रहे गति लेकिन पास किन बढ़ाओ दा नुवा चीज कर गया अगर ज्यादातर वन टच से ग्राउंड गति हम गति खाए तो आमा ओका ताकत करा हड़बड़ ओका एनर्जी के दावना हो बन जाता है ना और आमा गति हो मौज बना सुबह तार सरीगे और निश्चित रूप से उनका ना गति की जलो करना और बॉल पोजीशन इन मौज लुकिंग किंग होय दा बना टीम की और ए तो हो समय थोड़ा गेम नियर लेना जे रामगढ़ रांची ऊपर है थोड़ा गेम प्रेशर से दबाव को बिना उठकर है पाकुड़ टीम बनकर जैसे जैसे समय हुई दी ना वक्त हुई दी ना काफी बेहतर बदलाव जल्ला और नहीं तो लगभग लगभग 50-50 ना मैच बना टीम करा रहे मीटर विशेष सूचना ग्राउंड ना दक्षिण में खा रहे उन्हें पुखरी आई उन्हें ना खा जहाँ की पे दुकान था मैं तुम दो कमीजी पड़ा को मना टू का पिया अदो उन्हें करे तीन पे दुकान बड़ा होगा फिर को गोहा थे नेहर दाह ना गोगो बाबा कुटे तीन रुपए दुकान बड़ा होगा जहाँ ना की दुकान बना चाहे तो नाश्ता दुकान हो मिठाई दुकान हो चाहे तो जहाँ ना की दुकान घड़ी तड़ी दुकान आप थे नेहर दाह ना उन्हें कोई दो आप पे मिया लिया दुकान लगी स्पेशल उका दो पुरुम रखा को नेले का उका जिलिंग उका गैलरी बना उका उना कोन टाइम रखा को नेले का गया उना को जगह बना उना को क्षेत्र की आपे दुकान तबुन पे नवा ग्राउंड को दक्षिण न खारे दो नवा पुखरी आई को आलो पे दुकान हार सुशील लोडे जल में होड़ की फेड ना बार दा हेडिंग के रहो नो गोलकीपर दे भी पाती हलदा हार बका 10 नंबर जर्सी हरो का खिलाड़ी को बड़ाई से नवा रे जगह रे थोड़ा गन आर हो तेज खिलाड़ी से मैन किया तेज तेज किया मैं कहा थोड़ा गन उसूल बचा खिलाड़ी था क्या गोलकीपर हेडिंग करते ठोक करते आराम से गोल लड़िया किया मैं कहा रेडी पॉइंट मौका रांची रामगढ़ टीम को गवाओ कदा मैं कहा भाई भाई थे काउंटर अटैक रे जल में कुला बोली उकारे बोले बाद यार जल में उकारे लहाइदा अच्छी एक गोल दास बा मैं खाना तक है बनी खाए मैं दबा से जुबे और तुरंत उड़ी अटकाव की दिया और उड़िया का मोमेंट तो है करा पूरी हॉट है बड़ी कहते हैं और मैं पे मीटे कॉर्नर या चांस को जमे करा एलएसडब्ल्यू पाकु टीम तिहिदा सेकंड मैच ओका जलो कर आड़ी घमासान की भाई भाई तेडवा मैच रिया स्पीड हो पकड़ा पकड़ा और बुझे होगा जब आमा लोकल सपोर्टर्स ज्यादा को तहन खाए तो खिलाड़ी को हौसला बढ़ा दिया उनको को मैंने आले हो नवा इन बड़ा टूर्नामेंट रे अवसर ले जाम करा और नवा मौका कर गया नडे खोज हम हीरो बना लगे नवा बेहतर चांस बेहतर अपॉर्चुनिटी हुई दड़ा सुशील को और सरी कथा करा जब न लटू टूर्नामेंट गति लगे सौभाग्य हम जाम दा नडे खोज यदि आमा प्रदर्शन बेहतर तहन खाए तो नडे खोज आम अड़ी जस्ती हाईलाइट हो अड़ी जस्ती होल हमको खुशी में कि कहीं ना कहीं न लटू टूर्नामेंट रे जब नुई नहीं ना मौजे गति दड़िया तो निश्चित रूप से नुई अगला टूर्नामेंट रे मौका आबाई खाए अब टीम कोई तो अड़ी बेहतर हुआ तो नुका कोई नुआ लड़ो तो टूर्नामेंट गति लगी जब प्लेयर्स अपॉर्चुनिटी को जामदा तो उन्होंने कोई कई जगह रे आरो उनको लगी ऑफर हजुक ना गति लगी तो नुआ कर गया मीठे अवसर रांची रामगढ़ टीम लगी
एंटे बड़ा गया कुन वाकु छत्र रे नुकु टीम अडी मच हुआ थी तो कोई तो मिला जुला टीम के नाकु नुवाकु आड़े पासे कोई गिन वा टीम ना ते ही सजाव सपराव करा मैं खान गाती नुकु तला रे अडी मच और अडी मच अडू स्टार्टिंग डानियल टुडू पोटे कोई रेंसो के क्लारी को कोई ओकु तुलुई अडी नपाय उन्हें नाउ दे गाती है गया बन खाय उन्हें बेटे फॉल गलत तरीके दे उन्हें दारा में ना प्रयास बॉल हटा और ना प्रयास और नहीं क्रम रे मीटे फ्रीकिक को जामा नहीं बाद ना मैच लगी परगाना टोला और पटना बिहार अबन बड़ा टीम रन टीम मैनेजर थे नीत कोई गया अगर अजू कनाबर बड़ा टीम एंड निकिना गाती बाद उन हाबन तला रे गाती जीवा उन्हें थे अबन होने नीत कोई गया बड़े प्लेयर्स को रेडी बंद हो कुआ और देखना होगा ये शॉट लेने के लिए यहाँ पर सात नंबर मुंशी एक रणनीति भरा शॉट लेंगे और सीधे पोस्ट पर निशाना लगाया लेकिन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं विदेश और अंक के द्वारा आसानी से गेंद को अपने ग्लव्स में ले लिए दोनों टीम से बराबरी का मुकाबला देसी विदेशी का जो एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है पाकु टीम से उसके ओपोनेंट टीम से टोटल हमारे हमारे देसी प्लेयर्स सभी हमारे एसटी भाई और अभी तक इन दोनों टीम्स के बीच में जो खेल अभी देखने को मिला है बिल्कुल दर्शक भी बहुत ही मस्त मगन होकर के इस मैच को देख रहे हैं क्योंकि उस प्रकार का खेल दोनों टीम्स ने दिखाया है और रिंकू सर आप तो इस टीम से काफी ज्यादा यहाँ नजदीकी से तालुकात रखते हैं इस टीम से हर एक प्लेयर्स को बहुत ही ज्यादा आप इनको नजदीकी से जानते हैं तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि इस मैच का जो बचा हुआ समय का जो मैच है या खेल है यहाँ पर निश्चित रूप से हमको लगता है बहुत ही और यहाँ से कॉन्टेस्ट भरा मैच होगा एक तगड़ा मुकाबला होगा क्योंकि दोनों टीम चाहेंगे कि फर्स्ट हाफ के बचे हुए समय पर यहाँ से गोल करती हो ये देखिए यही तो है रामलाल का कमाल रामलाल ने विदेशी प्लेयर्स कुली बली जैसे खिलाड़ी का यहाँ पर बॉल को ब्लॉक किया तो रिंकू सर अभी भी वक्त है फर्स्ट हाफ में और देखना होगा पहला गोल क्या पाकुर टीम से आएगी या यहाँ से रांची रामगढ़ के द्वारा ये तो समय ही तय करेगी और बिल्कुल सुशील यहाँ पर जिस प्रकार से मैच को दोनों टीम बहुत ही संतुलित ढंग से खेलने का प्रयास किया है और कहा जाए तो ज्यादा यहाँ गोल चांसेस यहाँ पर रांची रामगढ़ के टीम को मिले थे लेकिन सही फिनिशिंग नहीं होने के कारण उसे गोल में तब्दील नहीं कर पाए लेकिन जबकि कहा जाए ये जितने भी यहाँ रामगढ़ के टीम से खेलती हुई नजर आ रही है टोटल के टोटल यहाँ से देखना बात शॉट किया था लेकिन शॉट फ्रेम पर नहीं था शॉट कहीं ना कहीं बाहर की ओर जाती हुई नहीं तो जिस प्रकार का शॉट था जिस रेंज पर था जिस गति पर था अगर सही फ्रेम पर होता तो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा लीड करते हुए नजर आती लेकिन फिलहाल दोनों ही टीम शून्य शून्य के स्कोर पर मैच को खेलते हुए और खास करके रहा रामगढ़ रांची रामगढ़ के टीम के बारे में तो ये टोटल के टोटल हमारे लोकल बॉयज हैं और कहीं ना कहीं इसे कुछ दिन से जो ट्रेनिंग दिया गया है उसके माध्यम से ये खेल में काफी इम्प्रूव काफी मेहनत करते हुए नजर आए और खेल को निखारने का एक अच्छा सा प्रयास है उसी क्रम में आज यहाँ एक कहा जाए तो मजबूत टीम के विरुद्ध में अपना 100% प्रस्तुति देने का प्रयास है यहाँ पर रांची रामगढ़ के टीमों से जैसे कि इस टीम में 8 नंबर पर सुरेंद्र सोरेन खेल रहे हैं ये भी एक बहुत ही घातक प्लेयर है आपको पता होना चाहिए इस चीज को भली भांति हमारे तुषार जी को पता है कि शिमला जैसे मैदान पर इनका बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस था और पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज इनको चुना गया था तो उस खिलाड़ी को इस टीम में शामिल करके कहीं ना कहीं रांची रामगढ़ के टीम मैनेजर थोड़ा सा सुकून महसूस करता होगा साथ ही साथ यहाँ डिफेंडिंग जोन के खिलाड़ी जो है यहाँ पर यहाँ मौका देखिए क्या लेकिन जबरदस्त कीपिंग का नजारा दिखाते हुए अभी तक यहाँ रामलाल जैसे मजबूत कीपर तो
तो यहाँ फर्स्ट हाफ का मैच चला बंपर है और दोनों टीम को काफी इस तरह का मौका मिला था। यहाँ पर सुरेंद्र एक अच्छा सा नियंत्रण दिशा में यहाँ विकास के लिए, और देखिए यहाँ से क्या गोल आ सकता है। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ हमारे जो असिस्टेंट रेफरी का जो फ्लैग है वो हवा में लहराते हुए इस बात का संकेत है कि आप ऑफसाइड में थे, इसीलिए आप यहां से अपने टीम को एक ऑफसाइड कॉल फ्री किक मिलने जा रही है। और सरी कर गया रिंकू जी ओका नोडम कथा के नुको का टीम यूनिट रांची रामगढ़ टीम का कुगा थी क्या नुको हो थोड़ा दिन लहरे नुको हो ट्रेनिंग सेशन था के ना अनोना रियात ही आकु तीने कुछ चीज रखा था और आकुआ होना तीना स्किल तीना स्टेमिना बिना खिलोड़ रिया क्षमता बड़ा टीम रिया सामना धारी एक कुसुमा होना रिया मिठे अड़ी बड़ा मौका और दबते कुछ आम का इन्हें बड़ा मैच रहे होना हो आम बुझे में अमा इन्हें लटू नवा संथाल परगना रिया गिना चुना टूर्नामेंट रहे अगर आम पादरपन रिया मौका नियम भाई तो होना रिया अलग ही उत्साह था इनका टीम रहे खिलाड़ी रहे। बिल्कुल तुषार जी, और इनका खेल हमने कुछ दिन पहले ही पाडेकोला जैसे मैदान पर देखा था, तो बहुत ही संतुलित बहुत ही सुंदर ये टीम खेली थी। भले वहां इनकी टीम विजेता नहीं बन पाई लेकिन खेल के माध्यम से लोगों को काफी कहीं ना कहीं लुभाने का प्रयास था। और यहां से फिर से एक बार देखिए ये खिलाड़ी लाजवाब प्रदर्शन करते हुए आज, अगर यहां से ये खिलाड़ी द्वारा गोल आते हैं तो कहीं ना कहीं कल जितना यहां साधु मरंडी के लिए क्रेज जमा हुए थे तो कल के दिन इसके लिए भी कहीं ना कहीं ये सब ग्राउंड पर लोग इकट्ठा हुए इसे देखने के लिए। और जिस प्रकार से लोकल बॉयज बनकर आज इस ग्राउंड पर उतरे हैं तो इस हिसाब से प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब है, उमदा प्रदर्शन कहा जाए तो। एक तरफ दो दो विदेशी मूल के तीन तीन विदेशी मूल के प्लेयरों के साथ इस तरह मैच पर अपना 100% प्रस्तुति दे रहे थे, ये कम बड़ी बात नहीं है। और यहाँ डिफेंडिंग जोन में भी एक अनुभवी डिफेंड कहा जाए तो मनिक का भी बहुत बड़ा रोल रहता है मैच पर, उसके दिशा निर्देश पर ही मैच को यहाँ से यह मुंशी खतरनाक साबित हो सकते हैं। देखना होगा मुंशी क्या यहाँ शॉट लेंगे, लेकिन और शॉट लेने से थोड़ा सा चुके यहाँ 11 नंबर के पास, लेकिन पूरा एक बार शॉट और गोल होते होते बच गया। लौंडे बुझे में नोई खिलाड़िया शॉट थे नाते को खिलाड़ी आपको घर पाओ चुमा के हुआ नाते को खिलाड़ी अगेरा बेहो प्रिया मतलब कदा मेन मार्किंग टाइट बदो के हुआ और मेन का होता को रिंकू जी आमरेन दुश्मन अगर आमे मेना नोई हरावया कमजोर जब तक उसे आलम मेना तवा गया चिदा जे अगर उन्हीं मौका ही जाम लिखा तो को बड़ा चो आप पटकनी मादाड़ी बा और उना की जलब का था नोड़े नोड़े अगर भी के गोल बढ़ाओ अगर को गोल लिखाए का चांस था एक नाडी रेंज रे शॉट लेना थोड़ा गन किस्मत रिया साथ को जाम के राजे नोड़े एलएसडब्ल्यू पाकु टीम विरुद्ध रे गोल बा हुईला बेटा बड़ी दफाई गाती निध भी नवा फर्स्ट हाफ रिया गाती रे लगभग फर्स्ट हाफ रिया हो लगभग लगभग अड़ी समय मिता में रेगुलेशन टाइम रे 24 मिनट रिया गाती तो उड़ चुके उकड़ा लगभग नहीं तो नियमित 6 मिनट रिया का गाती और उन्हें रे तीन समय जुड़ा हुआ उन्हें तो रेफरी चितार रे उन्हें तो अथॉरिटी बिना आप तो कुछ बाबुन मैं दड़ा मैं खा रुका रेफरी आ घड़ी आ रहा घड़ी का टाइम रे अगर हम जल खाए लगभग उन्हें टाइम रे मैं खा दिया बीच रे जल मैं नई खिलाड़ी ना तेरी मासूल ना तेरी फेड मैं खान बोले पड़ा होना मैंने गोल की फर्ट था अब करा तो मुझे लगता है इस मैच में बहुत कुछ उलटफेर भी हो सकता है। उम्मीद जगा दिया दोनों तरफ के प्लेयर ने लेकिन गोल के लिए जिस तरह से दोनों तरफ के खिलाड़ी उतारू नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां से एलोसन उछाला गया है वहां पर कोलेबली के दिशा में, कोलेबली सबसे पहले अपना बॉडी को पोजीशन किया और एक खिलाड़ी को चकमा देना चाहते हैं लेकिन विपक्षी खिलाड़ी वो भी कम नहीं है उनसे बॉल को छीनने की कोशिश किया मगर थोड़ा गलत तरीके से और इस वजह से फ्री किक के लिए मौका मिल जाएगा एलएसडब्ल्यू पाकुड़ की टीम। नो डाउट इसमें एलएसडब्ल्यू पाकुड़ की टीम में बहुत स्टार कास्ट खिलाड़ी भरे पड़े हैं, मैं इन सभी खिलाड़ियों को बड़े बड़े मैचों में मैंने देखा हुआ है। बिट्टू देवनाथ सुब्रता सोरेन जर्सी नंबर 2 में बहुत ही अनुभवी बहुत ही चर्चित खिलाड़ी है और एक समय ऐसा था कि सुब्रता सोरेन का एक समय आंधी चल रहा था लेकिन क्या वो उस अनुभव को इस मैदान पर दिखा पाएंगे। और एलएस वाई पाकु टीम मीठे मौका को जाम का और नवा नजदीकी मौका मीठे एक बार सेट पीस लिया चांस को बना दड़िया
मेंखान चीन का शॉट लगावा एक बहुत ही अच्छा मौका है सही पोजीशन से इस सेट पीस को गोल में भुला सकते हैं या नहीं उछाल आ गया लेकिन वहां पर मलिक ने एक बार फिर से अच्छा बचाव करते हुए फिर से शॉट लगा गया क्या बात शानदार शॉट लगाया था क्रॉस बार ने बचा लिया इस बार रांची रामगढ़ की टीम को लेकिन कल से लेकर आज तक का सबसे घातक गोल हो सकता था जो अगर ये थोड़ा सा भी नीचे होती और गौरव सोरेन का यही तो चलता है जब उनके पास उनके पाले में बॉल मिलता है और उनके उसके पावर भी हिटर के रूप में जब उसके पसंदीदा अगर फुट पे अगर बॉल मिलता है तो इसी तरीके का शॉट लगाते हैं हालांकि किसी टीम को क्षति नहीं हुई रिंकी जी और इस वजह से मैं कह सकता हूं कि दोनों टीम के पास अभी भी बहुत मौका है कि वो इस मैच में और चैलेंज फेस कर सकते हैं और बिल्कुल तुषार जी ये सही बात है और खास करके आज आप एक बात को नोट कीजिएगा कि मलिक जो आज डिफेंडिंग में इतना मजबूती प्रदान किए हैं क्योंकि जिस कदकाठी के ये खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं आज विदेशी मूल के खिलाड़ी को भी ये समझाने में कामयाब हुआ कि अब भले मैं विदेशी यहां से एक मौका बन सकता है ये खिलाड़ी के पास अच्छा रनअप लगाते ये मुंशी लाजवाब पड़ता और अच्छा यहां से किक लेकिन बहुत ही सुंदर यहां पर और बहुत ही जिम्मेदारी तरीके से 1-1 का सिचुएशन था आखिर वहां कुछ कर ही नहीं सकते थे और इसी वजह से वहां पर गोलकीपर को डाइव मारना पड़ा बहुत ही स्टार गोलकीपर है विदेश उरांग और अच्छा सेव निकाला वहां पर लेकिन इस बार आगे को बढ़ा दिया गया है एक बार फिर से खतरा धीरे धीरे बढ़ता हुआ लेकिन गेंद के नीचे वहां पर हमजा पूरी तरह से कारी खिलाड़ी को रोकने में सफल हुए पूरे ग्राउंड में जहां से कोई अगर गोल है तो इसके बाद नवा मैच रिया रोमांच नवा मैच रिया का स्थिति के ना बदल हुआ मेनखान अड़ी संघर्षपूर्ण मुकाबला पहल हाफ रहा बुडियल का निया बात कहते हैं उका मैच ही हुआ निया बात उका गाती हुई हुआ उना तो एफसी परगाना टुला वर्सेस पटना बिहार इस मैच के बाद थर्ड मैच ऑफ फर्स्ट राउंड ग्रुप बी का एफसी परगाना टोला वर्सेस पटना बिहार दोनों टीम के मैनेजर अपने खिलाड़ी को रेडी कर लेंगे क्योंकि इस मैच में अब ज्यादा समय नहीं है फर्स्ट हाफ में लगभग रेगुलेशन टाइम में अभी एक या डेढ़ मिनट का भी समय बची हुई है और उसमें भी कितना समय जोड़ा जाएगा ये इतना कंफर्म नहीं बता सकते लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ का समय सेवा लगभग समाप्ति की ओर निकल चुका है बहुत ही सुंदर हवा में स्पिन करता हुआ क्या गोल होगा और जी हाँ जिस चीज का यहाँ पर हम लोग चर्चा कर भी रहे थे एक बेहतरीन वहां पर मौका और इस तरह से यहाँ पर एक झटका देते हुए एलएसवाई पाकुड़ की टीम के विरुद्ध में रांची रामगढ़ की टीम ने पहला गोल मार दिया और इस तरह से यहाँ पर गोल दागने वाले खिलाड़ी सुरेंद्र सोरेन 8 नंबर जर्सी पहने हुए बहुत पहले से ये खिलाड़ी खेल रहे हैं जब मैं नया कमेंटेटर बना था और एक धीरे धीरे मैं पसंदी की कदम पर मैं आगे बढ़ रहा था उसी समय मैंने चिमड़ा के मैदान पर जहां विजय मरांडी नेशनल प्लेयर उस गांव में मैं कमेंट्री करता था बड़ा चिमड़ा में और उस साल मुझे याद आता है इस खिलाड़ी ने काफी एक मिनट इस मैच में जोड़ दिया गया है एट ए टाइम के रूप में तो मैं सुरेंद्र का चर्चा कर रहा था उस समय लंबे लंबे ये खिलाड़ी झुल्प रखे हुए थे और उस साल जो प्रदर्शन किया था इस खिलाड़ी ने वहां पर बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता था और आज भी इतने समय होने के बावजूद इस तरह से थोड़ा सा उनका वेट बढ़ा जरूर लेकिन अनुभव है और सुरेंद्र ने ये दिखा दिया कि शेर बूढ़े जरूर होते हैं लेकिन शिकार करने का जो तरीका है वो बदलते नहीं और यहाँ पर LSY पाकुड़ की टीम को पहला झटका दे चुके हैं और बिल्कुल तुषार जी और एक चीज को आप बाखूबी जानते होंगे बेस्ट ऑफ द प्लेयर का खिताब जीते थे तो सौभाग्य था कि उस टीम का मैनेजर के रूप में मैं उस जगह पर मौजूद था तो मुझे बहुत खुशी है कि आज वो खिलाड़ी इस मैदान पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और मैं इस कमेंट्री बुक पर बैठे आप दोनों बेस्ट कमेंटेटर्स के साथ कमेंट्री करने का सौभाग्य प्राप्त हुए तो कहीं ना कहीं जो बच्चा अपनी टीम से खेलते हुए नजर आती है और कभी ना कभी दूसरे किसी टीम से खेले या आगे बढ़े तो हाँ थोड़ा सा
खुशी जाहिर होती है, खुशी लगता है। पुनः एक बार सुरेंद्र अपने साथ सपोर्टिंग खिलाड़ी मुंशी के लिए खेला था, लेकिन बॉल वहां देखिए ठीक है ऑडिशन और थोड़ा चित्तान को बॉल लेबे दिया प्रयास था, हाई बूट चैलेंज देने की कोशिश, वहां पर बूट प्रेस किया गया और जिस वजह से एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है मुंशी इस समय थोड़ा सा चोटिल, मेडिकल सहायता दी जा रही है और वास्तव में यहां पर इस मैच में उलट फेर हो रहा है। इस टूर्नामेंट में कब क्या कुछ हो जाए कभी किसी ने सोचा नहीं था। कल जिस तरह से किंग फिशर पोटका की टीम कोई उड़ीसा से कोई जमशेदपुर कोई चाहे बासा से चलकर आए हुए टीम और उस वजह से काफी दर्शक आए थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि साधु मंडी और गोराचंद जैसे टीम इस टूर्नामेंट से शुरुआती राउंड में ही बाहर हो जाएंगे। तो ये फुटबॉल खेल का ये एक अलग ही अनिश्चितताओं का खेल है। कल जिस तरह से काफी ज्यादा साधु भी उनकी आंखों से आंसू निकल गया, जिस तरह से यहाँ इस क्षेत्र के लोगों ने दर्शकों ने जो प्यार दिया और वास्तव में मैं काफी गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे संथाल परगना के इस सरजमी पर प्यार भसा हर दिल में प्यार बसा हुआ है खिलाड़ियों के प्रति। हम लोग खिलाड़ियों का रिस्पेक्ट करते हैं, खिलाड़ियों को उतना ही सुंदर उनके साथ हम लोग प्रेम पूर्वक पेश आते हैं कि वो खिलाड़ी कोई कहीं से भी हो प्रदेश से आए वो खिलाड़ी कभी हमारे इस मान सम्मान को कभी भूलते नहीं है। तो लगभग ये मैच की ये फर्स्ट हाफ का ये विसिल बज गई और फर्स्ट हाफ का यहाँ पर समापन के बाद लगभग एक साल का अंतराल रहा बीच में और अभी यहाँ पर पुनः कुछ समय से मैं देख पा रहा हूँ सनी अभी तक 2-3 ऐसे मैच खेले हैं और जब इससे पहले 2-3 साल पहले की अगर हम बात करें तो सनी जिस ग्राउंड में उतरते थे निश्चित रूप से इस प्लेयर्स का इतना ज्यादा चर्चा होता था हर ग्राउंड पर, जब ये उतरते तो निश्चित रूप से टीम के लिए स्कोर इनके द्वारा जरूर होता था और वो क्षमता रखते थे सनी। लेकिन आज हम देखेंगे सितपहाड़ी ग्राउंड पर सनी किस प्रकार का रोल अदा करेंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि इनको सब्स्टिट्यूट बेंच से जिस उम्मीद के साथ दूसरे हाफ में परिवर्तन किया गया है क्या इसमें खरी उतर पाएंगे। खतरा को पूरी तरह से वहां पर पढ़ा और पूरी तरह से खतरा को टाल दिया है बॉल को ध्यान ताबुल पे बॉल बॉय बॉल को ध्यान ताबुल पे उका पूरा बॉल बिना एक अच्छा फाइटिंग स्पीड दोनों की तरफ से देखने को मिला है। हेलो सर, बॉल को अच्छा डिलीवर जरूर करता है लेकिन उनके सहयोगी खिलाड़ी का उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमजा बॉल को वहां पर स्थिर किया, विपक्षी खिलाड़ी वहां बॉल के मोमेंट को समझ नहीं पाए और हम ज्यादा आगे खेल दिया वहां पर। दोनों ही एक सहोदर भाई की तरह लग रहे हैं, एक का सकल सूरत एक तरीके का वहां पर गेम स्टाइल है दोनों का और कदकाठी में भी समान वहां पर लगते हैं। फिर देखिए यहां पर बहुत ही सुंदर कटिंग किया और इस बार क्या गोल मार पाएंगे, स्वयं ही शॉट लगाया था इस बार बड़ी बहुत चांस उड़े बना ले गया मैन खान नोटे जल में बॉल जस्ती बाको दो दड़िया करा बॉल को रे चुकरा और बॉल को रे कुतेगी नोटे उनका मोमेंट बाको बना दड़िया करा बड़ी बहुत दी थो अच्छा फाइटिंग मैच चला तो लोई ये लबू एलएस भाई पाकुड़ टीम वहां सेकंड हाफ में गोल को उड़ दड़े खासना में कर रांची रामगढ़ एक गोल या बढ़त बना होते हैं निश्चित रूप से खिलाड़ी रहे एकल नया ऊर्जा है काम कर धर्मा इतनी दिन दबे शानदार नवा मैच को नहीं करा ये भी ट्रेंड में 12 नंबर जैसे हो का खिलाड़ी बड़ी मौज सही जगह रह गया प्लेस के नाम एंटेनियन पे प्लेसमेंट पर बना करा प्लेसमेंट अगर नहीं बनेगा तो आपके खिलाड़ी वहां पर गोल पोजीशन पे आ नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए यहां पर बॉल तक क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे, गोलकीपर ने हालांकि जरूर हवा में उछाल दिया लेकिन उस पर भी टीम के कैप्टन हावी हो गए बॉल पर देख पास किया हम जाके ले इससे सुब्रत पटा में भी इतने मिनट रही सुब्रत जरूर साइड पास करते हैं संजीत है बहुत संजीत है स्किल बना
हर सिचुएशन रे हर जगह पर कुलिया गाती लगी होगी पोजीशन ना बता दोड़ा से एंजलिस मुर्मू हो मिडिल खाई जंदा बॉल रिया पोजीशन बॉल मिडिल रिया ठीक ही था यार मेनखान लाहर खिलाड़ी बॉल खोई जस्ती ज्यादातर को मार्किंग चू ना डिफेंस लाइन अडी मजबूत किता को रांची रामगढ़ टीम अनोन वाकन के अनवा मैच रे नतीजा जे मिचे गुलते बड़ा मैच रे बढ़ोतरी बना हुआ नियम बाद को गाती हुई बात लुवा को आर हो पावरफुल मैच अपकमिंग मैच बहुत ही हाई वोल्टेज रहेगा एक बहुत ही दमदार मैच का इंतजार हम लोग कर रहे हैं परगाना टोला और पटना बिहार इसी बीच गोला पुलिस ने अच्छा क्रॉस किया एक बार फिर गोल एरिया में जरूर सक आया था वहां पर इस्ताबुल ने घुमा के जरूर मारा था लेकिन इस बार भी गोल के पर रामलाल के ग्लव्स में गिर जाए जाकर चली गई और इस वजह से कोई खतरा नहीं लेकिन एक बहुत ही हैरत अंगेज अभी तक का ये परिणाम यहाँ पर जिस तरह से शुरुआती समय में लोगों को लग रहा था शुरुआती समय की पीछे उनका बजट बंधा रिंकू जी थोड़ा ज्यादातर एक्सपेक्ट रहेगा ना आपको बड़ा अच्छा अच्छी लिखा चढ़वा मैच रही हूँ टिडच को गोल आप से बताए हरियर वाला मैं खा उल्टे हुई जाने वाले पूरी ना मैं तेरे वहाँ फुटबॉल रिया कुछ गारंटी अलग बताऊँगा नुआ मैच रहे उनका नियल के दानों है रांची रामगढ़ टीम उन हल्के से अगर हम हटा उठाए लोको टीम का अभी धबी एक तगड़ा टीम ने धबी झटका को हमका हुआ और लोका ना सिचुएशन रहे नुआ मैच चलाओ पड़ा नोडे कोई उचित समय धबी नुआ गोल अगर सुरक्षित को दोहे कर खाए तो हम मैच ही जा नुआ मैच रहे क्वार्टर रहे रांची रामगढ़ टीम को सेटर हुआ और रांची रामगढ़ टीम तिही मोहम्मदपुर यूपी से गए उनको क्वार्टर को आती है मैं कहा कहीं जा सेकंड बैच अड़ी शानदार नित्य भी जेल जाम कर और बिल्कुल तुषार जी कहीं जिस प्रकार से यहाँ खतरा खतरे पर खतरा लेकिन जब यहाँ लास्ट मोमेंट 12 नंबर को मिला तो वो बॉल को कहीं ना कहीं गोल लाइन से बाहर फेंक दिए और जी बिल्कुल यहाँ पर कुछ क्षण ऐसा लग रहा था कि इस बार गेंद को हर हाल में पोस्ट में रखा जाएगा गोल में कन्वर्ट किया जाएगा लेकिन जो प्रयास देखा गया निरंतर प्रयास एक बार नहीं कई बार वहाँ लगातार अटेम्प्ट के ऊपर अटेम्प्ट किया गया लेकिन फिर भी इतने बेहतर तरीके से वहाँ पर डिफेंस अंदाज में गेंद को क्लियर करने का प्रयास उनका भी लगातार रहा और आखिरी समय पर गेंद वहाँ पोस्ट के बगल से निकल गई तो यहाँ पर हम जा थोड़ा सा बॉल पोजीशन को गलत अंदाज से वहां लेने का प्रयास किए और एक फ्री किक का कॉल आ गया है मुख्य रेफरी संतोष यादव के द्वारा प्लेयर्स प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन प्लेयर्स डोंट फाइट बिटवीन रेफरी एंड अदर प्लेयर Players, please don't fight between each other. Please don't pressurize upon the referee's consideration. Because referee's decision is first and last decision. थोड़ा सा वहां पर रेफरी के ऊपर जरूर वो मान कर रहे थे थोड़ा सा वहां पर रेफरी के साथ थोड़ा सा जिस तरह से वो बहस कर रहे थे लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से रेफरी ने भी सही तरीके से इसको डील किया और जरूरी भी है मैंने पहले ही कहा कि हमारे संतोष के पास वो क्षमता है कि बड़े बड़े इस तरीके की सिचुएशन को वो अक्सर वो फेस करते हैं और आसानी से वो सामना करते हैं और इस मैच में इसलिए और भी ज्यादा दबाव रहेगा वो जानता है इस मैच के सिचुएशन को कि दोनों टीम के खिलाड़ी अब काफी ज्यादा इस मैच में और प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के खिलाफ क्योंकि इस मैच में एक गोल का यहाँ पर जो अंतर है उसको बराबर पर लाने के लिए लेवल पर लाने के लिए जबकि दूसरे टीम ही वो चाहेंगे कि इस स्कोर को वो कायम रखें और यहाँ से एक गोल का जो बढ़त है वो विनिंग गोल साबित हो क्या यहाँ पर एक और क्या गोल होगा मुंशी काफी करीब लेकर चले गए इन मौके पर बॉल को वहां पर सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच अपनाते हुए गोलकीपर किसी तरह से बॉल को वहां पर पंच आउट कर दिया अन्यथा मुंशी एक और यहां पर झटका दे सकते थे और इस तरह से कॉर्नर की लेने के लिए
मौका। क्या बेस्तर जगह पर बॉल को लेकर चले गए थे, सही शूटिंग भी हुआ, लेकिन इसी तरीके का पहले भी बचाव कर चुके हैं ये गोलकीपर विदेश उरांग ने और इस बार भी उसी तरीके का बचाव किया। पहले भी उत्तरी गोल पोस्ट में से उसी तरीके का शॉट को ब्लॉक किया था, लेकिन इस बार मुझे लगता है मुंशी ने एक अच्छा गवाया एक मौका को, थोड़ा सा उनको बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए था। लेकिन गोलकीपर ने जहां जिस जगह पर मुंशी बुक किए हुए थे उसी जगह पर गोलकीपर आ गए, इस वजह से खिलाड़ी थोड़ा सस्पेंस में आ गए कि आखिर वो शॉट लगाया तो आखिर किस क्षेत्र में बॉल को टारगेट करे। हालांकि एक मौका यहाँ कॉर्नर किक के लिए बहुत ही जुझारू पाल दिखाते हुए दोनों टीम, बहुत ही सुंदर यहाँ पर हेडर लगा जरूर लेकिन बॉल के गोल लाइन के करीब उठाते हैं, लेकिन एक वापिस से मौका बना सकते हैं, एक अपील जरूर हुई लेकिन रेफरी ने कहा कि नो इट इज नॉट ए फॉल, यहाँ पर कोई किसी तरीके का फॉल नहीं है। और कहते हैं कि जब फिर से मौका बना सकते हैं शॉट तो जरूर, फिर से हवाई आक्रमण, लेकिन देखिए मैच का मोमेंट बदलता हुआ अब दोनों टीम इस मुकाबले में गर्माहट आता हुआ इस मुकाबले में अब समय नहीं है और आप दोनों टीम जानते हैं इस सिचुएशन को सुशील। और निश्चित रूप से बचे हुए समय इनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इसे समय पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी जिस प्रकार से भी बन रहा है पाकुड़ टीम के लिए, हर हाल में चाहेंगे कि यहां से एक गोल कम से कम वापसी किया जाए। और इसी बीच वहां पर सनी का शॉट, कीपर वहां थोड़ा सा पोजीशन आउट है, इसी बीच बोड़ो सोरेन कनेक्शन लगा जरूर था लेकिन ओपोनेंट टीम वहां पर विकास से गेंद टकराने के बाद विकास ने रिकवरी की भी कर लिया। ऐसे में सुब्रतो दो नंबर टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी अपने सपोर्टिंग को वहां ढूंढते हुए कुलीबली के लिए वहां पर पास बढ़ा दिया, इस बार मौका बनेगा लेकिन टोटल प्लेयर सभी चढ़ करके खेलने का प्रयास कर रहे हैं पाकुड़ टीम से। और जहां कहते हैं कि डिफेंसिव अंदाज रे जहां कहते हैं कि इन्होंने कोई बॉल डुबना भरपूर प्रयास, इन्होंने रांची रामगढ़ इंटेंट गुठे लीड बना और निश्चित रूप से नुकड़ा रणनीति अपना युग का नियम समय रहे डिफेंस जोन जस्ती ध्यान को ही तक एंटे नोडे को जहां लगाते थोड़ा गन हो यदि को मिस्टेक लिखाए नवा ना डिबरन प्रभाव पड़ा दरिया रांची रामगढ़ ऊपर है हो जाए एंटे को मैच को वापसी आ पाकुड़। लेकिन आर भी धमुन सी बड़ी तेज गति जे उठे को दीवाने गति के दिया दीवान लेगा ना क्षेत्र को डीप रे उठे बोला भरपूर प्रयास लेकिन दीवान ने जल्दीबाजी किया। जब आपके सामने तीन तीन प्लेयर्स हैं तो कम से कम बॉल को होल्ड करके वहां गेंद को भी प्लेस कीजिए, गेंद को वहां पर फिनिशिंग क्षेत्र में दीजिए तो निश्चित रूप से बेहतर होता, लेकिन वहां पर थोड़ा सा जल्दीबाजी किया गया और गेंद ऑफ टारगेट पर, तो निश्चित रूप से अभी भी वक्त है रिंकू सर, अभी बचे हुए समय पर पाकुड़ टीम जिस लय में यहां पर नजर आ रहे हैं जो प्रयास देखा जा रहा है अगर कंटिन्यू रहा तो यहां से गोल वापसी हो जाएगी। ये हो गया 12 नंबर के द्वारा जर्सी नंबर 12 ने यहाँ पर मैच में वापसी कर लिया है और तीनों बड़ा मिस्टेकन जबकि बाबा गुटे खिलाड़ी उन्हें बॉल के रिलीज दड़िया गया मेनखान जल्दी हुई ना डिफेंडर रहे और उन्हें यह फायदा इजाम के दार उड़े और नवाल का थे नवा बोले जीवी को थोड़ा गन बराबरी को इको किदा पसे दी तो एलएस भाई पाकू टीम हो नीत नीत की नवा मैच को वापसी किदा एक एक मैच में बड़ा टीम सैफ की गोल किदा और नीत नीत की नवा मैच रहे 12 नंबर जर्सी हरौता खिलाड़ी गोल किदा तो दोनों टीम ने एक एक गोल इस समय कर दिया है। अभी अभी पाकुड़ की टीम भी मैच को रन इस मैच में रिटर्निंग गोल मार दिया है और इस तरह से मुकाबला बची भी समय जो इस मैच का जो शेष समय रह गया है यहां से और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि यहां से अगर गोल नहीं होगा किसी तरफ से तो फिर पेनल्टी का सामना करना होगा। लेकिन अड़ी बहुत खूब वापसी की रनवा मैच रहे और पाकुड़ टीम लगातार को प्रयास था लेकिन डिफेंस लाइन रेडी बनाए गलती हुई था दोबार को खिलाड़ी मौजूद था तो बांध हॉट किन ऐसे गाड़ी दिया और बांध होना बॉल की रुका गाड़ी था लंका डोई कोलाबली कोलाबली कल खलबली मचा उत्तर दामे और नीना उसूल खिलाड़ी के नए इंकर मचा खटो मचा खिलाड़ी दो मी धाम अब टंडाल था उन्हें बार रहा उन्हें ना बराबर लंका डोई गोला गोलकीपर लेकिन अच्छा वहां पर रिक्स किया और रिक्स वाला वहां पर अच्छा बचाव किया रामलाल ने और अभी भी मैच एक एक की बराबरी पर
नेक्स्ट मैच खेलने कृपया करके दोनों टीम के टीम प्रबंधक अपने खिलाड़ी खोल के लेकर के आ जाएंगे। एफसी परगना टोला वर्सेस पटना बिहार। नेक्स्ट मैच खेलने कृपया करके दोनों टीम के कैप्टन अपने खिलाड़ी को लेकर आ जाइए और आपके खिलाड़ी के साथ ज्यादा सदस्य नहीं रहेंगे, एक्स्ट्रा लोग ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। जो टीम के जो मैनेजर होंगे उनके साथ 5 सदस्य ही आने की इजाजत है प्रत्येक टीमों से। मैं देख रहा हूं एक टीम इस समय ग्राउंड में इस समय प्रवेश कर चुके हैं लगभग टेक्निकल एरिया की ओर पहुंचते हुए। अनुरोध होगा परगना टोला के टीम के मैनेजर से, आप भी कृपया करके खिलाड़ियों को जल्दी से लेकर आने का प्रयास करें। नीत बुनियालेकवा पटना बिहार टीम को सदर चुके होकर देशी विदेशी खिलाड़ी उनका टीम को हेंजलेकवा बड़ी घमासान मैच बुनियाला ही जहां तीसार गाती मी घड़ी बात आगे मन का सुशील वहां मैच रहे उनका गाती बॉडी लैंग्वेज पता टीम आता है के ना उका रांची रामगढ़ मनखा डिफेंस रैंक खिलाड़ी बार बार जब मजबूत चितार रो दबाव बना पाता है उन्हें डिफेंस रैंक खिलाड़ी थोड़ा कर लगा है तो लगाया था अरुणा दिया की नतीजा आता है कि ना जब वे अकवा हाथ पर थोड़ा कर कोई स्टिक किया लगभग अकवा ने 6 यार्ड बॉक्स के अंदर रहे अरुणा ने 12 नंबर जर्सी पाकुड़ रैंक खिलाड़ी नया टीम वापसी चुके अकवा हार्दिक थोड़ा समय रहे नुकसान बिना सुशील जहां से अगर गोल खान था तो विजय दड़े अगर से वो निर्णायक गोल साबित हो जाए। हाँ जी बिल्कुल लंदन समय होना कगार रहे सटर करना उनका ना समय जब भी गोलों का अगला गोल आम तो मैन क्या बोला तो डिसीजन गोल हुआ विनिंग गोल वो साबित होगा लेकिन क्या मैच 1-1 की बराबरी पर ही समाप्त होगी या अगला गोल हमें देखने को मिलेगा। और अगर इस मैच में अगला गोल हो जाती है किसी टीम से तो आप समझ सकते हैं वो इस मैच के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गोल साबित होगी विनिंग गोल साबित हो सकती है। लेकिन इसी बीच दाऊद इस बार गेंद को जीत लिया है। दाऊद वहां पर आगे बढ़ते हुए मुंशी को पास निकाल दिया, मुंशी वहां पर छिने गए। इसी बीच मैं देख पा रहा हूं फोर्थ ऑफिशियल मंच के सामने प्लेयर्स में बदलाव की तैयारी भी चल रही है। हमको लगता है रांची रामगढ़ टीम से प्लेयर्स में बदलाव की तैयारी अभी चल रही है वहां और ये बदलाव टीम में कितना परिवर्तन लाएगा ये हम देखेंगे। इसी बीच 10 नंबर विकास लेकिन वहां टीम के बड़ो सरे ने गेंद को निकाल दिया। टिगड़ी बोल रंग डुक रहा था फाउल की वहां गेंद पोजीशन बहुत ही बेहतर। इस बार कुलीबाली वहां पर गेंद को जीतने का प्रयास और ये देखे यही गलती कर दिया कुलीबाली ने उनको पीछे से खींचने का प्रयास किया और वहां पर एक फ्री किक को जीत लेंगे रांची रामगढ़। सर वन चेंज रांची रामगढ़ टीम 10 नंबर आउट और 9 नंबर इन विकास के जगह पर रामजोन मरंडी आएंगे ग्राउंड पर रिप्लेस हो गया है। परगना टोला के जो टीम के मैनेजर हैं आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप भी अपने प्लेयर्सों के साथ आप यथाशीघ्र ऑफिशियल मंच के सामने टेक्निकल एरिया में आप पहुंच जाइए। ये मैच में 3 मिनट इंजरी टाइम एड हो चुका है। अब हम देखेंगे 3 मिनट में यहां से अगला गोल क्या रांची रामगढ़ के द्वारा देखने को मिलेगी या पाकुड़ के द्वारा। आप समझ सकते हैं इसे समय पर अगर गोल हो जाती है तो वो सुपर एट के लिए अपना प्रबल दावेदारी दे देंगे। रिंकू सर अभी तक दोनों टीम्स ने बहुत ही अच्छा खेला दोनों टीम्स 1-1 की बराबरी पर और जिस प्रकार से अभी इंजरी टाइम एड हुआ है इस बचे हुए समय पर क्या अगला गोल देखने को मिलेगी या ये मैच पेनल्टी शॉटआउट तक जाएगी ये कहना बिल्कुल उचित नहीं लग रहा है। अनुमान लगाना बिल्कुल मुश्किल लग रहा है और बिल्कुल सुशील जिस प्रकार से दोनों टीम खेल रही है यहाँ कहा जाए तो ये गोल जो रिटेन गोल आए यहाँ पर पाकुड़ की ओर से वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेंडिंग जोन को में थोड़ा सा लापरवाही बरती गई थी इसी कारण यहाँ ये रिटेनिंग गोल आई नहीं तो बहुत ही अच्छा बहुत ही संतुलित ढंग से मैच को चलाते हुए आए थे यहाँ पर रांची रामगढ़ की टीम लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दबाजी थोड़ा सा तालमेल में कमी थी वहाँ डिफेंडिंग जोन में
उसी क्रम में आपको बॉल देखने को मिला है अपना एक बार आस्तावल के क्षेत्र में बॉल, लेकिन वहां दानियल द्वारा अच्छा एक्लिप्स करते हुए अपने बचाव पक्ष में। और ऐसे समय पर मैं देख रहा हूँ डिफेंसिव जोन में कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे समय पर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा सा भी गलती हो जाती है, तो उसका एडवांटेज पुनः ओपोनेंट टीम को मिल सकता है। तो देखना होगा इसे समय पर एक कॉर्नर हालांकि जीत लिया है, ये कॉर्नर कितना कारगर सिद्ध होगा। और वहां पर हेडिंग जरूर लगा था हमजा का, इसी बीच वहां पर क्या मुंशी गेंद को निकाल पाएंगे, वहां एलोसन पहुंच चुके थे लेकिन यहां गेंद को क्लियर किया गया लेकिन वहां कोई प्लेयर्स नहीं। आसानी से गोलकीपर गेंद को अपने ग्लव्स में लेते हुए समय आहिस्ता आहिस्ता आखिरी चरण की ओर, लेकिन क्या ये मैच पेनल्टीज तक जाएगी, पेनल्टी शॉट आउट तक जाएगी? अब तक ये सारी कैलकुलेशन सभी ऑडियंसों के माइंड में चलता हुआ। और इसी बीच मुंशी के लिए गेंद पर आगे पास खेला गया, क्या मुंशी गेंद तक पहुंच पाएंगे? वहां मैन को कवरिंग बहुत ही तगड़ा तरीके से किया गया, वहां अपने सहयोगी प्लेयर्स को ढूंढने का प्रयास। इसी बीच वहां पर एलोसन पास बढ़ा दिए, वहां पर संजीत हेमरम, संजीत उन्हें कोई डीप रे बोलो बनखन बोल ने प्ले कोई बाहर चला, बड़ी मुश्किल विषय पूरा रिंकू सर नहीं तभी दुआ मैच जी अगला स्कोर हजुआ से नुडे कोई पेनल्टी शॉट आउट भी चला तकरीबन मुझे उखड़न वहां मैच यानी पेनल्टी शॉट आउट भी की सेनो का सिचे नहीं थो अब हो बबुन ले दया किया जब वहां मैच रचे हुई वा नित्रित बोलो कर मीट ए फ्रेश प्लेयर फ्रेश लीग रामजन रामजन के अंदर कोई डिफरेंट बोलो एक मास बाद मन खाई गलत तरीके से बॉल पोजीशन में तो प्रयास। और नियर सासों के देखिए मैच ना फुल टाइम विसिल सड़ी ना